भाभी क्या वो हाथ मुंह धोने गया है? अब तक तो उसको हमारे वजन का अंदाजा तो हो गया होगा। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे हिंदी वेब सीरीज के बारे में जिनमें कई सारे इंटीमेट सीन हैं। यानी कि हमें इन वेब सीरीज में कई सारे गर्मागर्म सीन देखने को मिल जाएंगे, लेकिन ध्यान रहे इन्हें आप सिर्फ अकेले में ही देखें, क्योंकि सबके सामने देखने पर आपकी कुटाई भी हो सकती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं इन वेब सीरीज के बारे में। देख दनुआ, तू एक महीने से अकेलो अकेलो खा रहो है, हमने कुछ कही ना? अब भूरी को स्वाद थोड़ो हमें भी लेने दे। आज तलक कोई बहू बेटी बच न सके इनकी हवस से, जब जिसे चाहे टांगों के बीच में दे ले हैं हरामी सुस। नंबर वन पर है ग्लिटर। वेब सीरीज बेस्ट है क्राइम मिस्ट्री एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। वेब सीरीज की स्टोरी शुरू होती है एक मर्डर केस से, जिसके पीछे एक्चुअल में तीन लड़कियां सस्पेक्ट हो जाती हैं, और लास्ट तक इस मर्डर के पीछे क्या मिस्ट्री छिपी हुई है, इवन ये तीनों लड़कियां क्या गुनहगार हैं या फिर बेकसूर, इसी को रिवील करने की कोशिश की जाएगी इस कम्प्लीट वेब सीरीज में। वेब सीरीज रिलीज की गई है G5 पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 5.2 की। एक लड़की के साथ रेप किया गया है, एक को बहुत बुरी तरह से पीटा गया है, और इस लड़की ने अपने बचाव में उस बलात्कारी को मार दिया। सेल्फ डिफेंस का ही केस है, बस इस केस में और कुछ जान नहीं है। नंबर टू पर है लॉक एंड की सीजन 2। वेब सीरीज बेस्ट है फैंटेसी मैजिकल ड्रामा एक्टिविटी के ऊपर। वेब सीरीज की स्टोरी की अगर हम बात करें तो वेब सीरीज की स्टोरी बहुत ज्यादा यूनिक है। वेब सीरीज की स्टोरी शुरू होती है एक ऐसे मैजिकल की से, जिसके मदद से आप किसी भी दुनिया में जा सकते हैं या फिर किसी के भी दिमाग में घुस सकते हैं। कुछ ऐसे ही फैंटेसी जर्नी को प्रेजेंट करने जा रही है एक कम्प्लीट वेब सीरीज, जो कि आपको काफी हद तक बहुत ज्यादा एडवेंचरस भी लगने वाली है। वेब सीरीज रिलीज की गई है नेटफ्लिक्स पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 7.4 की। नंबर तीन पर है ताबर। वेब सीरीज बेस्ट है क्राइम मिस्ट्री एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। वेब सीरीज की स्टोरी की अगर हम बात करें तो वेब सीरीज की स्टोरी में आप एक ऐसे पिता को देख पाएंगे जो कि अपने परिवार और अपने बेटे को बचाने के लिए सारी हदें पार कर देते हैं, और उन्हीं के जज्बे और हौसले को इस कम्प्लीट वेब सीरीज में बखूबी प्रेजेंट की गई है। वेब सीरीज की स्टोरी लाइन आपको वन ऑफ द बेस्ट लगने वाली है। इवन पिता के जज्बे को देखकर आप बहुत ज्यादा इंस्पायर भी होने वाले हैं। वेब सीरीज रिलीज की गई है सोनी लिव पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 8.6 की। हरी के नहर के किनारे से बरामद हुई एक लाश। पुलिस ने पुष्टि की है कि लाश अजीत सोढ़ी के छोटे भाई महीप सोढ़ी की है। महीप का फोन उस रात से ही बंद है, उसका लास्ट लोकेशन इसी घर का था। क्या हुआ था उस रात? दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई वेब सीरीज के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।